अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त तैमूर अली शाह आपको पेशावर बर्ड फैंसियर चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको अपने सेटअप का एक शॉर्ट विज़िट करवाऊँगा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक छोटा सा सेटअप है। तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करके जो है मैंने इस सेटअप को डिवेलप करवाया है अल्लाह की मदद से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई मैंने 13.5 फुट रखी हुई है और इसकी लंबाई, मैंने जो है 8 फुट रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप देख सकते हैं इसके चारों अतराफ़ पर मैंने जाल लगवाया हुआ है ताकि वेंटिलेशन का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम ना हो। और चूंकि रात को जो है काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो मैंने ये, आप देख सकते हैं कि ये पैराशूट की एक शीट बनती हैं, तो ये मैं रात को जो है कुछ इस तरीके से हैंग कर देता हूं ताकि मेरे बर्ड जो है ठंडी हवा से बचें। और इसकी छत को हीट से बचाने के लिए मैंने इस पर थर्मापोल की शीटें लगवाई हैं, उसके बाद इस पर जो है खाका डाला है। खाका जो है ठंडा होता है, उसके बाद मैं जो है सीमेंट लगवाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें, ये थर्मापोल की शीट आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो माशाल्लाह इससे जो है मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है और मेरे बर्ड्स काफ़ी हैप्पी रहते हैं इस एवरी में। तो काफ़ी सक्सेसफुल रही मेरी फ़र्स्ट एवरी, इंशाल्लाह मैं अपनी सेकंड एवरी भी बनवाऊंगा ये सामने जगह पर, तो उसकी अपडेट भी आपको जल्द अज़ जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं अपने बर्ड्स आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो मेरा शौक़ है अभी अभी, तो ये आपको एल्बिनो रेड आई का मेल नज़र आ रहा होगा जो कि सनी भाई से परचेज किया है, और साथ में मैंने जो है पार ब्लू स्प्लिट इनो की फीमेल लगवाई है। ये एल्बिनो रेड आई का मेल है और पार ब्लू स्प्लिट इनो की जो है ये फीमेल है। तो माशाल्लाह ये क्रीमिनो वर्किंग के लगवाए हुए हैं, बस अल्लाह भी बरकत डाले इसमें। तो इन्होंने मेरे ख्याल से नेस्टिंग वगैरह भी स्टार्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह जल्द ही इनका प्रोग्रेस आएगा। इसके अलावा अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ, साथ में मैं जैसे बताया था कि होगोरोमो का शौक भी कर रहा हूँ, तो ये रेम्बो होगोरोमो का मेल है, साथ में एफबीजी की फीमेल लगवाई हुई है। तो ये भी माशाल्लाह अभी नया पेयर लगा हुआ है, तो इसका भी जल्द रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये असद भाई से मैंने परचेज़ किया हुआ था, ये मैंने जो है फैसल, ये हॉलैंड का ब्लड लाइन है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे साइजेस में हैं और बहुत टॉप क्वालिटी के बर्ड्स हैं जो कि फैसल सलीम साहब से परचेज़ किए हुए थे लाहौर के जो हैं। और माशाल्लाह इन्होंने भी नेस्टिंग स्टार्ट की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने नेस्टिंग वगैरह स्टार्ट की हुई है, तो जल्द इनका भी रिज़ल्ट आएगा। जब एग ले करेंगे और जब चिक निकलेंगे तो मैं आपके साथ इनका भी रिज़ल्ट शेयर करूँगा। और साथ में यहाँ पर अब नीचे आ जाते हैं, तो ये मेरा फूस्टर पेयर है, इसके नीचे मैं होगोरोमो के अंडे जो है पेरता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर एक पेयर मेरा यहाँ पर बैठे हुए कॉकटेल का, जो कि बॉक्स के अंदर है इस टाइम, ये भी आपको दिखाता हूँ क्योंकि अभी ये डिस्टर्ब होंगे। तो पेयर पूरा अंदर बैठा हुआ है, इसके एग्स कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ, इनको छेड़ना जो है मुनासिब नहीं है, वो फीमेल गुस्सा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 एग्स हैं और चारों फर्टाइल हैं, शुक्र है। तो अब आपको अपना अगला पेयर दिखाता हूँ जी। तो जैसे कि ये पेयर मैंने दिखाया,
तो इसमें जो है ग्रे की फीमेल लगी हुई है और कॉमन वाइट का मेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से मेरे पास कॉमन वाइट भी आते हैं, ठीक है, और ग्रे और कॉमन वाइट के स्प्लिट भी आते हैं जो कि ग्रे कॉकटेल होते हैं। साथ में ये देखिए ये पाइट का मेल है जो कि मेरे अपने घर का मेल है, ठीक है। तो ये कॉमन वाइट का स्प्लिट भी है और साथ में फीमेल है जो कि इनो रेडाई की स्प्लिट है। तो इन्होंने भी माशाल्लाह बस अब एग ले किए हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। तो माशाल्लाह से मेरे ख्याल से इनका चिक भी आया हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये बच्चा भी आ गया इनका, थोड़ा और आपको क्लियर करवा कर दिखाता हूँ। माशाल्लाह। तो अब आगे जाते माशाल्लाह से ये मेरा दूसरा होगोरोमो का पेयर है, इसकी भी फीमेल शायद बॉक्स के अंदर बैठी होगी। इसकी फीमेल को निकालते हैं जस्ट। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो माशाल्लाह से इसके भी 3 अंडे आए हुए हैं। तो अब इसको बाकी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इनको जब छेड़ते हैं तो ये अपने अंडे फेंक देते हैं नीचे डर के मारे। इसके अलावा एक पेयर ये भी है, इंशाल्लाह इनका भी जल्द रिज़ल्ट आएगा, ये भी जल्दी अंडे डालेंगे। ये भी होगोरोमो का पेयर है, पाइट का मेल है और साथ में जो है ऑफलाइन की फीमेल है। साथ में एक पेयर ये है जिसमें स्पेंगल का मेल है और ऑफलाइन की फीमेल है। तो माशाल्लाह से इनका भी जल्द रिज़ल्ट आएगा। साथ में एक पेयर वहाँ पर है जिसमें जो है ये अपना फेलो की फीमेल है और ऊपर स्पेंगल का मेल लगा हुआ है। ये मैंने वैसे फ्लाइंग के लिए जोड़े हुए थे, बस वैसे ही इनका जोड़ा लग गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अभी अपने घर के फट्टे हैं, जैसे कि मैं आपको ये वाला दिखा दूं। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे साइजेस में आए हुए हैं। तो ये मेरे फ्लाइंग के लिए जोड़े हुए हैं कुछ यहाँ पर। ये मेरा फ्लाइंग केज है बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस कॉकटेल का साइज़ देखे ज़रा, माशाल्लाह से ये वी पाइट कॉकटेल है। ये भी मेरा अपने घर का मेल है। इसके कुछ जो ब्रदर्स और सिस्टर थे वो मैंने बेच दिए, तो इनके पेरेंट्स भी मैंने जो है सेल कर दिए। अब ये मैंने अपने शौक के लिए रखे हुए, तो इसके साथ मैं फीमेल लगवाऊँगा और जल्दी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करवाऊँगा। इसके अलावा मैं आपको अपने जावा दिखाता हूँ। तो जावा के सेटअप में भी जाते हैं, इन्होंने भी बस नेस्टिंग स्टार्ट की हुई है। तो जावा के लिए मैंने काफ़ी बड़ा सेटअप बनाया हुआ है। तो इन्होंने भी नेस्टिंग स्टार्ट की हुई है, ये अभी नेस्टिंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनके भी जैसे रिज़ल्ट आएगा तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। ये देखें नेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। ये मेरे जावा के कुछ 8-10 पेयर हैं, ठीक है। तो इनका भी इंशाल्लाह जल्दी इनकी भी ब्रीड आएगी तो रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें मेरे पास माशाल्लाह से ग्रे के ग्रे जावा है और मेरे पास कुछ वाइट जावा हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह इनका भी रिज़ल्ट जल्दी आएगा। और साथ में मैंने ये यहाँ पर टेम्परेचर मीटर लगवाया हुआ है, तो अभी तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है। रात के वक्त इंशाल्लाह ताला फिर 29-28 पर यहाँ पर आ जाता है टेम्परेचर, क्योंकि ये कूलर भी अभी तो खैर ये UPS से लगवाई हुए हैं, तो बिजली आ जाए तो बस ये कूलर भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए जो है मज़ीद अपने एवरी को अभी डेवलप करवाएंगे, तो जैसे ही ये कूलर लग जाए तो ये 32-31 पर टेम्परेचर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरा सेटअप कैसा लगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
آپ کا دوست تیمور علی شاہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اللہ حافظ.